आपने किसी भी प्रकार के गीजर पर इस प्रकार का एक छेद वाला पाइप देखा होगा, जो कि गीजर का जो साइड वाला पाइप होता है उस पर लगा हुआ होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये किस काम में आता है। तो ये कोई भी गीजर हो सकता है, उसके साइड में जो इनकमिंग पाइप होता है उसके साइड में आपको ये जो छेद वाला पाइप दिख सकते हैं, ये इसलिए लगा हुआ होता है कि जब भी आपका जो गीजर है उसका थर्मोस्टेट या फिर ऑटो कटअप काम करना बंद कर लेता है और किसी कारण से आपके गीजर के अंदर जो एलिमेंट लगा हुआ है, जो कॉइल लगी हुई है, वो ज़्यादा गर्म हो जाती है और ज़्यादा गर्म होने से उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा भाप पर जाती है, काफ़ी ज़्यादा हवा पर जाती है, तो उस कंडीशन में आपका गीजर ब्लास्ट हो सकता है। तो उस ब्लास्ट को रोकने के लिए यहाँ पे आप इस पॉइंट को देख सकते हैं, इसके अंदर स्प्रिंग होती है, जब ज़्यादा हवा पड़ जाती है तो वो स्प्रिंग हट के यहाँ पे आप छेद देख सकते हैं, इस छेद के अंदर से वो हवा बाहर निकल जाती है, जिससे कि आपका जो गीजर है वो ब्लास्ट नहीं होता है। आप इस छेद को देख सकते हैं, इसके अंदर से हवा निकल जाती है। तो इस प्रकार से ये जो आप पॉइंट देख सकते हैं ये काम में आता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।